26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कुछ अभी आज तक कॉलोनी न मिला, आज तक शौचालय का पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मुद्दा क्या, खाली हम लोग वोट देते हैं, बेवकूफ है, हम लोग वोट दे देते हैं उनको, जिता देते हैं, मगर कुछ ना होता है। बेलागंज में तो बहुत मांग है, तो मांग हम लोग का पूरा होगा तब ना, हम लोग का पूरा होना चाहिए। हम लोग का नली गली हम लोग का नहीं बना है जी, नहीं बना है, कच्ची हम लोग का है। हम लोग का बाल बच्चे का रोजगार मिलना चाहिए जी, बहुत तरह के बात है जी। बाकी हम लोग वोट दे देते हैं, बाकी कुछ भी के फायदा नहीं है। हम लोग तो ऐसे बैठा रहते हैं, नहीं बाथरूम के मिला, नहीं कुछ मिला, आज तक नहीं, नहीं कुछ भी नहीं मिला हम लोग का। देश का है ना, कोई अच्छा ये बन सके, अच्छा जो नेता है हम लोगों की मदद कर सके। और तो अब तक जो नेता था क्या मदद नहीं करते थे, विकास का काम नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे, करते थे ना, करते थे। वादा पूरा होगा सर, कभी नहीं वादा पूरा होगा, बस वादा करके निकल जाते जाते हैं, वादा नहीं पूरा होता। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर एडिशन देख रहे हैं। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए आज उपचुनाव हो रहे हैं, 7:00 से मतदान शुरू है। फिलहाल हम बेलागंज में मौजूद हैं और ये बेलागंज का बूथ संख्या 41 है। यहाँ पे देखिए किस तरीके जो महिला वोटर है वो किस तरीके से कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है? कमला कुमारी। कब से खड़ी है? हाँ खड़ा है हम लोग, आधा घंटा से ऊपर हो गया। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है? कोई नहीं, शांतिपूर्ण वोट हो रहा है। क्या मुद्दा है बेलागंज का? बेलागंज का है, हम लोग का अच्छी तरह से वोट दे रहे हैं, जो हम लोग जिस लालच से दे रहे हैं उस तरह से हम लोग का रोजगार। महिलाओं का क्या, महिलाओं का है? बेलागंज में तो बहुत मांग है, क्या तो मांग हम लोग का पूरा होगा तब ना, हम लोग का पूरा होना चाहिए। हम लोग का नली गली हम लोग का नहीं बना है जी, नहीं बना है, कच्ची हम लोग का है। हम लोग का बाल बच्चे का रोजगार मिलना चाहिए जी, बहुत तरह की बात है जी। कौन पूरा करेगा? करेगा जो है हमारे बिहार के जो है मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ के जो बनेंगे विधायक जी, वो करेंगे जी। वार्ड सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, ये सब करेंगे नली गली विकास के लिए जी जी। क्या नाम है? वोट करने आई है, क्या मुद्दा है, क्या क्या सोचकर वोट करने आई है? अच्छा देश का है ना, कोई अच्छा ये बन सके, अच्छा जो नेता है हम लोगों की मदद कर सके। और क्या? तो अब तक जो नेता थे क्या मदद नहीं करते थे, विकास का काम नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे, करते थे ना, करते थे जी, करते हैं, अभी भी करते रहेंगे, जो भी है वो भी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हाँ, क्या नाम है? नहीं बात करेंगे, क्या नाम है? तो देखिए महिलाएं हैं कतार में लगी हुई हैं, सबका एक ही चीज कहना है कि विकास के मुद्दे पे ये वोट करें। क्या नाम है दादी? नाम नहीं पता है। वोट करने क्या सोचकर वोट करने आई है? नाम को नहीं बताया। क्या नाम है? सुमित्रा कुमारी। क्या सोचकर वोट करने है? उपचुनाव हो रहा है, अरे महंगाई जी हिसाब से बढ़ रही, उस हिसाब से हम लोग को भी देना चाहिए रोजगार। और नौकरी वाला के तो हर चीज मिल रहा है सुख सुविधा, लेकिन हम लोग को बच्चन को मिल नहीं रहा। अच्छा, इसी चीज के लिए तो कई सारे सुविधाएं हैं वो सरकार दे रही है, दे रहा है, लेकिन हर आदमी को संभव नहीं ना है, नहीं पहुँच रहा है। जब इस बार वोट करेंगे तो देखिए, हर आदमी को जिताने के लिए सोच रहा है कि अगला बार तो बोल रहा है कि अगला बार देंगे। इसी वजह से हम लोग फिर अब दे रहे हैं, देख रहे हैं। इस बार उम्मीद है कि इस बार वोट करेंगे तो बदलाव होगा, कुछ बदलाव होगा, विकास होगा, उस बार देखा जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो हम गरीब दुखिया हैं, हमन के रहे का ठिकाना नहीं है, घर ढहाने वाले है, हमने रहेंगे कहाँ यार। हाँ, अब तो जीत जाते हैं तो हमने के पानी बगैर तरसी ना हो रहा है, तो पानी तो अब सब जगह दे रहे हैं, जाके जाके भुलटोली ने देखो तो हमें पानी नहीं है पानी। क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं बात करेंगे। क्या नाम है? हम लोग नाम नहीं करेंगे, नाम नहीं बताइए। क्या वोट करने आए हैं, क्या मुद्दा? क्या वोट करने आए हैं? तो कुछ मुद्दा ना है, मुद्दा रहेगा कुछ? अभी आज तक कॉलोनी ना मिला, आज तक शौचालय का पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मुद्दा क्या, खाली हम लोग वोट देते हैं, बेवकूफ है, हम लोग वोट दे देते हैं उनको, जिता देते हैं, मगर कुछ ना होता है, कुछ ना होता है। हम लोग इंसानियत पर वोट दे देते हैं। जन कल्याणकारी योजना चला नीतीश कुमार का, जो आवास योजना है, नल जल है, सड़क है, नली गली, सबको नहीं मिलता है। हम लोग वोट देंगे, अब उनको जो करना वो करेंगे ना, हम लोग तो कर ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, भीड़ में खड़े होकर वोट दे ही रहे हैं, वोट दे रहे तो उनको ना होना चाहिए कि हर चीज सुविधा दें। क्या मुद्दा क्या है इस बार वोट करने का? हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग का तो दे रहे हैं वोट, 18 वर्ष से दे रहे हैं वोट, कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है ना, बाथरूम का ना कुछ का, शौचालय का बात करते, विकास का सब कुछ बात, नीतीश कुमार कुछ भी नहीं मिलता, तेजस्वी यादव विकास की बात करते, अरे कुछ भी होता है, बाकी हम लोग वोट दे देते हैं, बाकी कुछ भी फायदा नहीं है। हम लोग तो ऐसे बैठा रहते हैं, नहीं
बाथरूम के मिला, नहीं कुछ मिला, आज तक नहीं, नहीं कुछ भी नहीं मिला हम लोग का। उम्मीद क्या है, कौन आए, हम लोग दे देते हैं, उम्मीद है कि कहीं दे दे सकता है, बाकी देता नहीं, हम लोग देते हैं, उम्मीद पे देते हैं। हाँ, अगले साल विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री बनेंगे अगले साल, कौन सब गरीब आदमी तो ऐसी मारा चल रहा है, जो भी रहेगा हम लोग वोट देंगे, ऐसा नहीं कि वोट नहीं देंगे। क्या नाम है? चल देवी, क्या लगता है किस मुद्दे पे वोट करने आई है? मुद्दा यही है कि हम लोग गरीब हैं तो हम लोग चाहिए रोजगार, हम लोग महिला रोजगार चाहिए। अच्छा, रोजगार की बात तेजस्वी यादव करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं, क्या महिलाओं को क्या लगता है कौन रोजगार दे रहा है और कौन रोजगार जो महिला कर सकती है वही रोजगार। महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजना है नीतीश कुमार, क्या हम लोग की तो कोई सुविधा ऐसा बुझाया ही नहीं कि हम लोग के मिला है। हाँ। अगर मिलता तो जरूर, जिधर जो बड़ा आदमी उसी का सारा भला है, गरीब आदमी का कोई भला ही। क्या नाम है? लक्ष्मी। वोट कब से? आप तो काफी टाइम से वोट करती है, चुनाव में जब नेताजी आते होंगे इस टाइम तो बड़े बड़े वादे करते होंगे, चुनाव जीतने के बाद वो वादा पूरा होता है, वो काम होता है? वादा पूरा होगा सर, कभी नहीं वादा पूरा होगा, बस वादा करके निकल जाते हैं, चल जाते हैं, वादा नहीं पूरा होता है। तो क्या मांग है? क्या मांग है कि हमनी के 400 है से 1000 करने पेंशन जी, 400 में क्या होता है, टाइम से नहीं मिलता है। किस पे भरोसा, कौन करेगा? किसी पर नहीं भरोसा कर रहे हैं, नहीं मिलेगा तब भरोसा होगा, मिलेगा तब जानेंगे कि भरोसा है, किसी पर भरोसा नहीं। क्या वोट कर रही है काफी टाइम से, क्या उम्मीद है, क्या लगता है? कुछ भी नहीं देता है, कुछ नहीं बताएंगे, कुछ देवे नहीं करता, बता क्या करेंगे। और लोग हैं उनसे बात, क्या नाम है, कब से वोट कर रहे हैं? कब से वोट कर रहे हैं? बहुत 10 वर्ष से कर रहे हैं, काफी टाइम से वोट। अच्छा, क्या लगता है चुनाव के टाइम बहुत सारा बातें होती है, नेताजी आते हैं बात करते हैं, बहुत सारे वादे का, चुनाव के बाद वो वादे पूरा होता है? सब शांतियों को बैठ जाते हैं, बस अभी चीज ये देंगे वो देंगे ऐसे करेंगे उसे करेंगे और कुछ भी नहीं पूरा करते। मुस्लिम को लेकर बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो वादे करते हैं, क्या आप लोगों के लिए क्या विशेष तौर पे कोई सुविधा मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव लगातार बात करते हैं, क्या लगता है कौन करेगा पूरा आप लोगों का वादा, या जो विकास मुद्दा है वो कौन पूरा करेगा? ये तो समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार करेंगे कि मोदी जी करेंगे, वो तो करने के बाद पता चलेगा कि कौन करेंगे। क्या कह रही है? कुछ नहीं। क्या है वोट करने का, क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं, बस वोट कर जाइए। क्या वोट करिए, क्या है मुद्दा? वोट दे रहे हैं, बस वोट देने आई है। तो ये तमाम महिलाएं हैं बेलागंज में मौजूद हैं, और एनडीए का तरफ से मनोरमा देवी उम्मीदवार हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं, जदयू की तरफ के एमएलसी रहे हैं। यदि महागठबंधन की बात करें तो 7 बार से विधायक रहे सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं।